শাহর সঙ্গে আপনাদের মিটিং ছিল দিল্লিতে, মোটামুটি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছিল? 125th অ্যামেন্ডমেন্ট টু দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ইন সিক্স শেডিউল এরিয়াস, পুরে নর্থ ইস্ট মে অল দ্য কাউন্সিলস আর হামারে অমিত শাহজির সাথে মিটিং হুয়া আর হামনে উনকো বাতায়া হ্যায় কি কাউন্সিলস নিড টু বি স্ট্রেংথেন, ফাইন্যান্সিয়াল পাওয়ার্স নিড টু কাম, অটোনমি নিডস টু কাম। তো এই সব বাত মে হামারি চর্চা হুই, আচ্ছি চর্চা হুই। और उन्होंने कहा है कि वो एक तीन मेंबर कमेटी बनाएंगे अंडर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो उनके साथ अटैच्ड है अभी, और बाय द 25th ऑफ अगस्त उसका पूरा निर्णय लेंगे। ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, ये सब 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए है, क्योंकि जब कानून पास होता है तो सबके लिए एक ही तरीके से कानून पास होता है। नॉर्थ ईस्ट का 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑल द टेन काउंसिल्स इनिशिएट मैंने किया था विद प्रमोद बोरो, और होम मिनिस्टर का सोच उन्होंने और एक चीज़ कहा है कि अग्रीमेंट्स किसी के साथ भी हो, बीजेपी की सरकार के साथ हो या कांग्रेस की सरकार के साथ हो, सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और वो सब जो अग्रीमेंट्स हुआ है उसको वो ऑनर करेंगे। उन्होंने ये बात भी सिर्फ हमें नहीं सबको कहा। आपका दल में तीन चार डिमांड था, उस डिमांड का विषय में क्या बातचीत हुआ? मेरा और एक बात है, वो तिपरासा अकॉर्ड के लिए दो नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर लिया है, विजय रामखुर और मैं, और उसका जो बात है वो पैरेलली चल रहा है और आप आने वाले थोड़े दिन में उसका भी रिजल्ट देखेंगे। लेकिन डायरेक्ट फंडिंग जो EDC में सिर्फ हमारा नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट का था, उसमें ये 50 फाइनेंस कमीशन के अंदर आने के बाद थोड़ा सा रिलीफ आया। कमेटी कब तक होगा? कमेटी जो बना हमारा कमेटी बन गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमेटी भी बन गया है वो त्रिपुरा सपोर्ट के लिए। हमारी कमेटी में विजय रामखोल और मैं हूँ, त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट से दो रिप्रेजेंटेटिव है और होम मिनिस्ट्री से दो रिप्रेजेंटेटिव। बात शुरू हो गई, कब तक खत्म होगा? कुछ शायद लोग जब बुलाएंगे अगले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर हम लोग जाएंगे, वी आर गोइंग टू टॉक। हम लोग अपने लोगों के लिए बात करेंगे, कुछ बदलता नहीं है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर रहे, और हमारा काम है अपने लोगों को उनका अधिकार देना, और वो हम और विजय रामखोल कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। महाराज, कुछ दिन पहले आपका जो तिकामोथा का जो प्रेसिडेंट है उन लोगों के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया, जो आपका जो पार्टी का दो मिनिस्टर है अभी त्रिपुरा में, उनके मिनिस्टर का बातचीत नहीं सुन रहा है स्टेट गवर्नमेंट, इसके विषय कोई बातचीत हुआ क्या? वो अभी इसमें मैं बात नहीं करूँगा, ये आप देखिए मिक्स मत कीजिए, मैं पार्टी के बारे में बात कर रहा हूँ, मिनिस्टर गवर्नमेंट में है, वो बात आप मंत्री से पूछिए, लेकिन मैं अभी इसमें कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मेरा काम है अपने गरीब त्रिपुरा साहब को, हमारे राज्य को, बंगालीज हो, जो भी ABCs में मणिपुरीज हो, मुस्लिम्स हो, उनको कुछ देना, मेरा वो काम है, वो मैं करूँगा और अच्छे तरीके से करूँगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैंने बहुत बार बात किया है, हमारे जो ग्रुप्स है जो बांग्लादेश में है उनको भी एक अच्छा ज़िंदगी चाहिए, उनका भी कुछ डिमांड है, उनको भी लाने के लिए मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि त्रिपुरा में उन्नति हो, डेवलपमेंट हो, और सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब हमारे गरीब त्रिपुरासा लोग, गरीब बंगालीज लोग, गरीब मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सबका उन्नति हो। बस मैं वही करना चाहता हूँ।